सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चढ़ तुरंग चाले तत्काला, संग खालसा शोभ बिसाला। जहां हुते पातशाही मंदिर, गन सुंदर के बैठे हो अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी च नौवें गुरदेव जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पावन पवित्र सचखंड स्थान गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी के पवित्र दरबार अंदर नेता प्रति हाजरियां भर के आप समूह माई भाई अपने जीवन दियां कुछ कीमती घड़ियां सवास गुरु लेखे ला के सफला और सकारथा कर दे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन बाणी विच 15 भगतां दी बाणी दर्ज है। उन्हां 15 महान भगतां चों गुरदेव दे घर दे विच जिन्हां दा महान माण ते सत्कार है भगत धन्ना जी। अज भगत धन्ना जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा है। राजस्थान के इलाके धूआ कला नगर है, जिला टांक विच, जिथे भगत धन्ना जी ने शरीर करके जन्म तारिया। ऐसे महापुरुष संसार दे विच जीवां दे भले लई आउंदे हन, परपकार वास्ते आउंदे हन, पर ओह जन्म ते मरण विच नहीं हुंदे। ओह जे जन्म तारदे हन तां केवल जीवां दे भले लई। तो जिहड़े भगत ने ओह भी परमेश्वर दा ही रूप हन। भगत धन्ना जी ने सकार तो आरंभता करके निराकार दे विच अभेदता प्राप्त कीती। तो निराकार स्वरूप वाहिगुरु परमेश्वर विच एकमिक हो के बिल्कुल निष्कपट ते भोले भा परमेश्वर दी आराधना कीती। धन्ना पाया बाल बुद्ध दी खेड है कि बाल बुद्धि यानी कि भोली बिरती, जिथे कोई छल नहीं है, जिथे कोई कपट फरेब नहीं है। क्योंकि चंचलता ही छल वाली बिरती, कपट वाली बिरती तां परमेश्वर नूं पाउंदी नहीं। ए मन चंचला चतराई किने ना पाया, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਿਪਟ ਹੋ ਕੇ ਭੋਲੇ ਪਾਏ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਭੋਲੇ ਪਾਏ ਬਿਰਤੀ। ਤੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਗਊਆਂ ਵੀ ਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਖੂਹ ਵੀ ਗੇੜਦੇ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੱਕੇ ਵੀ ਮੋੜਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆਂ ਆਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ।
जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। महाराज दुनिया आरती करदी है, मैं सीधा जा बंदा हां, मैनू तां आरती दा वल नहीं आउंदा, मैं आरता कर लैना तुहाडा। आरती दा घर वाला हो गया, आरता वड्डा हो गया। हुण भी दलां पंथां विच आरती भी कीती जांदी है, आरता भी कीता जांदा है। महाराज मैं तुहाडा आरता करदा, जेड़े तुहाडी भगती करदे ने तुसी उहनां दे कम सवार दे हो। दाल सीधा मांगो घीओ, जदों तक घर विच इस गल दी चिंता है कि घर च दाल नहीं है, लून नहीं है, गृहस्थियां इसे दे फिक्र दे विच ध्यान लगा होवे ते रब कित्थे चेते आउणा, फिर तां इस पासे ही है। महाराज इह लोड़ां जिहड़ियां आर्थिकता दियां ने मेरियां पूरियां करो, तां जो इस पासों निश्चिंत हो के तुहाडा भजन करां। दाल सीधा मांगो घीओ, हमरा खुशी करा नित जीओ। कन्हैया छादन नीकाया, नाज मंगो सत सीका। सोहनी जुत्ती भी चाहीदी है पैर च पाण नूं, पन्नियां कपड़ा चाहीदा सोहना तन कज्जण नूं, छादन ते अनाज चाहीदा जिथे सत सीआं वज्जियां होण खेत विच, सत वेरी वाह के उहदे च बीजिया बीज ज्यादा उगदा है। खेत जिन्ना नरम होवेगा फसल उन्नी वधिया हुंदी। महाराज अनाज भी चाहीदा। गऊ भैंस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। घर विच गऊआं ते मझां भी होण, उह भी लवेरियां ताजियां सूईयां, चंगा दुध होवे ते घोड़ी चंगी होवे सवारी वास्ते, सवारी चंगी होवे। घर की गीहन चंगी, जन धन्ना लेवै मंगी। कबीर जी और तन्ना जी दोवें गुर भाई ने। तुसी आखोगे गुर भाई किवें ने? कबीर जी भी रामानंद जी दे शिष्य सन, ते भगत तन्ना जी ने भी रामानंद जी कोलों ही गुरमंत्र लिया सी जाके। तो फिर गुर भाई हो गए। ते कबीर जी भी एक जगह ते कहंदे आ, भूखे भगत न कीजै यह माला अपनी लीजै। ओ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना। अध सिर मांगो दाले मोको, दोनों वक्त जवाले। खाट मंगो चौपाई, सरहाना अवरत लाई। ऊपर को मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा। मैं नाही कीता लबो, लालच नहीं कीता, जो लोड़ा ने उही मंगियां। तो इत्थे भगत धन्ना जी भी ऐन स्पष्ट लफ्जां च, महाराज ये लोड़ां भी मैनू चाहीदियां ने गृहस्थियां, ते मैं इस पासों निश्चिंत होवां ते तुहाडी भगती च लगा रहां। ते फिर उत्ते कह भी दिता, जिहड़े भगती करदे ने उहनां नूं इहनां वस्तुआं दी कमी रहिंदी भी कोई नहीं, क्योंकि जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। उहनां नूं इहनां शैमां दी कमी भी नहीं रहिंदी। तो ऐसे महापुरुष भगत धन्ना जी, तिना दा अज पवित्र जन्म दिहाड़ा है। भगत धन्ना जी दे पवित्र जन्म दिहाड़े दियां आप समूह गुरु कियां साजियां नवाजियां संगतां नूं लख लख वधाईयां हन। कलगीधर पातशाह जी महाराज मथुरा तो आगरे पहुंचे ने। आगरे आके एक खान खाना नाम का मुसलमान वीर मुरीद सतगुरां दा, मुनायम खां इहदा नां है, सतगुरु जी नूं बेनती करके अपने पास बुलाया। दर्शन ददारे कीते, शरीर च कोई बिरथा सी, गुरु साहब की कृपा नाल उस बिरथा तो रहत हो गया।
सतगुरां बचन कीता खान खाना जी लंगर चलाओ, जेड़ा कोई लोड़वंद अभ्यागत आवे उसनू भोजन छकाओ। ये पुन कर्म करन वालियां दा ना संसार च उजागर रहिंदा। तो गुरु साहब दे बचना नाल खान खाना जी ने लंगर भी चलाए और कलगीधर पातशाह जी महाराज जी दियां खुशियां लईयां। आगरे विच सतगुरां ने एक श्रेष्ठ बाग वेख के उत्थे उतारा कीता जमुना दे किनारे। बादशाह बहादुर शाह नू खबर होई कि कलगीधर जी आए हन, सदा भेज के सतगुरां नू अपने कोल बुलाया है। साहिबे कमाल गुरु कलगीधर जी बहादुर शाह दी सभा विच बहादुर शाह नू दर्शन देण वास्ते जा रहे ने। ये जानते हाँ कि बहादुर शाह दे कोई चंगे कर्म होणगे कि सतगुरु कलगीधर जी दे दर्शन दार करने उन्नू नसीब हो रहे हैं। आओ मन बिरतियां एकागर करिए। कलगीधर पातशाह साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जगतनाथ सतगुरु जी दे पवित्र पावन चरणा दा ध्यान अपने हिरदयां च बसाओ। आप दी रसना नूं पवित्र करो ते आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। चढ़ तो रंग चाले तत्काला घोड़े ते सवार होए कलगीधर जी, सवार होके बहादुर शाह नू दर्शन देण लई चले। संग खालसा शोभ बिसाला सतगुरु जी दे नाल महाराज जी दा खालसा जेड़ा सतगुरां अपने हथी साजिया, महाराज जी दे त्यार बर त्यार सिंह सतगुरु जी दे नाल सवार होके जा रहे ने। जहां हुते पातशाही मंदिर आगरे विच बड़े बड़े वड्डे किले ने जिथे बादशाहां दे निवास हुंदे सन। बहादुर शाह दा जिथे पातशाही महल है उस पासे सतगुरु जी गए। गन सुंदर के बैठे अंदर बड़ा सोहना महल है बादशाह दा, उस महल दे अंदर जेदे विच बड़ी सुंदरता है, बड़ी सुंदर मीनाकारी कीती हुई है। आगरे दे विच अज भी बहुत सारे महल हन, किले हन, पुराने मकबरे हन, उना दे विच बड़िया सुंदर मीनाकारियां कीतियां, पत्थर दे उत्ते नकाशियां कीतियां हुंदियां ने। हुण भी अज दे वे वर्तमान दे समय विच भी आगरे दे विचों पत्थर दा काम करन वाले बड़े बड़े वड्डे कारीगरां नूं बकायदा बहुत सारे गुरस्थाना ते बुला के उना कोलों पत्थर दी मीनाकारी करवाई जांदी अज दे समय भी। तां उना वेलियां विच भी बड़े बड़े वधिया कारीगर इत्थे रहिंदे सन। कलगीधर जी जिस महल च गए ने जिथे बहादुर शाह रहिंदा है, कहिंदे उस किले दे विच उस महल दे विच बड़िया सुंदर मीनाकारियां कीतियां होईयां हन। सिंघन प्रत प्रभ हुकम बखाना जदों किले दे कोल सतगुरु जी पहुंच गए, महाराज जी दे सिंह सतगुरां दे नाल सन। कलगीधर जी ने सिंघां प्रति हुक्म कीता फिरी है चढ़े है न तिस इस थाना, महाराज जी ने हुक्म कीता तुसी इत्थे घोड़िया ते सवार ही रहना, किले दे बाहर त्यार बर त्यार रहना, क्योंकि सारिया नू अंदर नहीं सन लजाना चाहुंदे सतगुरु जी। पातशाह कहिंदे तुसी इत्थे घोड़िया ते सवार हो के सारे त्यार बर त्यार हो के खड़ के साड़ी उड़ीक करो। साहिब सिंह संग ले साहिब, महाराज जी ने अपने एक सिंह सन भाई साहिब सिंह जी, उना नू सतगुरु जी ने अपने नाल लिया। एक भाई साहिब सिंह जी पंजा प्यारियां चो सन जेड़े चमकौर दी गढ़ी च शहीद होए ने। ए होर साहिब सिंह ने क्योंकि को ना दे महाराज जी दे पास कई सिंह सन, तो ए भाई साहिब सिंह जी नू सतगुरु जी ने अपने नाल लिया और बहादुर शाह नू मिलन वास्ते गए हन। भए प्रवेश बिलोक अजायब, बाकी सारे सिंघां नू किले दे बाहर जेड़ा मुख दरवाजा उत्थे ही खड़ा कर दिता है। कल्ला भाई साहिब सिंह जी नू महाराज जी ने नाल लिया और बहादुर शाह दे कोल अंदर गए हन। कुछ थोरे उमरावन माहू, बहादुर शाह अगे अपनी सभा च बैठा ते थोड़े जे गिणती दे अफसरी बैठे ने, उन्हें भी बहुती भीड़ नहीं कीती अपने कोल।
कुछ जेडे खास बंदे सन बहादुर शाह दे पांच सात अहलकार उन्हां नू बहादुर शाह अपने नाल लैके बैठा होया है और कलगीधर जी दी उड़ीक कर रहा है। बैठे हो तो बहादुर शाहू बादशाह बहादुर शाह बैठा होया है। सूरज सम सतगुर को देखा सतगुरु जी एदी सभा विच एदी कचहरी विच पहुंचे ने महाराज जी दे सूरज समान प्रकाश वाले उज्जवल दीदार नू जदों बादशाह बहादुर शाह ने वेख्या कमल बिलोचन खिरे विशेखा बहादुर शाह दे कमल सरीखे नेत्र खिड़ गए जिवें सूरज नू वेख के कमल खिड़दा है एदा कलगीधर रूपी सूरज दे दर्शन करके बहादुर शाह दियां अखां जिहड़ियां कमल दे फुल्लां समान खिड़ गईयां। उठ कर तुरत समीपी आयो बहादुर शाह अपने तख्त तो उठ के अगे आया कलगीधर जी दा स्वागत करन लई आदर करन लई आप उठ के अगे चल के आया द्वै हाथन द्वै चरण लगायो और महाराज जी दे चरणा ते जिवें झुक के मत्था टेकया ते अपने दोवां हत्थां नाल सतगुरां दे चरणा नूं स्पर्श कीता फिर जमीन दे उत्ते मत्था टेकया हिंदुस्तान दे बादशाह बहादुर शाह ने महाराज जी दे चरण फड़े ने चरण पकड़ के सतगुरां दे चरणा ते मत्था टेकया श्री प्रभ कृपा दृष्ट कर हेरा कृपा भरी सवली निगाह नाल कलगीधर पातशाह जी महाराज जी ने बहादुर शाह वल वेख्या वेखो समय दी खेड़ है एदा प्यो महाराज नौवें पातशाह जी दे पिता नू शहीद कर रहा है ते ए नौवें पातशाह दे पुत्र दे चरणा ते नमस्कारां कर रहा है। महाराज जी दा जलाल सतगुरां दा प्रताप वेख के सीस झुकाया कलगीधर जी ने अपनी कृपा भरी दृष्टि नाल इस वल वेख्या थापी दई कांड तिस बेरा और मत्था टेक दे दी पेठ उत्ते महाराज जी ने अपना हाथ रख के थापी दिती सुख सो भुगतो बड पत शाही आख्या बहादुर शाह नाले थापी दे के बचन कीता सतगुरां ने असीस की दिती आख्या बहादुर शाह जिन्ना चिर जिउंदा रहे उदों तक सुख नाल राज भोगे क्योंकि राज कलगीधर जी नहीं दिता सी आख्या जिन्ना चिर जीवित रहे ओनी देर तक सुख नाल राज भोगे थापी दे के महाराज जी ने बचन कहे बिनसी प्रथम दई तो वपाही महाराज जी कहिंदे वैसे तां तुहाडे घर दी बादशाही औरंगजेब दे मरण नाल बिनस गई सी औरंगजेब दे मरण नाल बादशाही भी तुहाडी चली गई सी पर तू साडी शरण आया इस करके बेनसी हुई बादशाही मुड़ के फिर तेनू दे दिती है पर ए हुण तेनू ही दिती है तेरे तक ही सीमित रहेगी जब लो तो हे आर बल तन की जदों तक तेरे तन दी तेरे शरीर दी आर बल है उम्र है पुर हो आनंदत बांछा मन की उदों तक तेरे मन दी बांछा बादशाही करन दी पूर्ण होवेगी चंदन चौंकी सोजन दसाई महाराज जी नूं इहने नमस्कार कीती नीवे अखां नेत्र करके सतगुरां नूं बड़े सत्कार नाल लै के आया जिथे दा तख्त सी नाल ही सतगुरां दी एक चंदन दी चौंकी इन्ने डवाई हुई सी ओदे ते बड़ा सोहना बिछोना ओ बिछाया होया इस पर सतगुर लए बिठाई और उस चंदन दी चौंकी दे उत्ते बड़े अदब नाल बेनती करके सतगुरु कलगीधर जी नूं इन्ने बिठाया हाथ जोड़ बहु बिनय बखानी हाथ जोड़ के बड़े सनिमर भाव नाल बहादुर शाह ने सतगुरु जी नूं बेनती कीती तुम सहायता मैं सब जानी महाराज तुहाडी सहायता मैं सारी जान लई है कि रणभूमि विच तारा आजम नाल जंग लड़दियां आप जी ने जो मेरी सहायता कीती है मैं तुहाडी सहायता नूं पूर्ण रूप करके जानिया रण मह दर्शन दे रिप मारा आप जी ने रण भूमि विच मैनू दर्शन दे के मेरे दुश्मन नूं मारिया मैं आप तुहाडे दर्शन कीते ने रण भूमि च तुसी दर्शन भी दिते मैनू दर्शन दे के दुश्मन नूं तुसी मारिया मुझको सलतन दई उदारा और आप जी ने तरस करके मैनू हिंदुस्तान दी बादशाही दिती है ए पातशाही तख्त मैनू तुसी बख्शिया है पातशाहो घर के समुदाय महाराज
आप जी दे घर दे विच इन्ने सारियां पातशाहियां महाराज आप जी दी नजर विच लखां करोड़ां पातशाहियां हन सुन सुन तीर मदाज सो आए महाराज जदों पातशाही मैनू मिल गई जंग जित लिया ते जेडे रण भूमि विच वड्डे वड्डे तीर अंदाज सन ओ सुन सुन के सारे आए मेरे कोल भी तारा आजम नू तीरां नाल मारिया ते जिन्ने ओ वड्डे वड्डे तीर अंदाज सी मेरी फौज दे विच ओ सारे उस वेले मेरे कोल चल के आए जिद है परस पार कर है उचारा ओ आके जिद कर दे आपस विच गल्लां कर दे एक दूजे नाल जिद दे ते कहिंदे सन तारा आजम को मैं मारा कल्ला कल्ला तीर अंदाज कहिंदा सी भी तारा आजम नू मैं मारिया दूजा कहिंदा सी मैं मारिया वड्डे वड्डे जरनैल सारे आपो अपने नंबर बनाउंदे सी सब कहंदे सी भी असी तारा आजम नू मारिया मुझको निश्चय भयो ना कोई पर मैं ता जानदा सी ना भी किने मारिया उना दियां गल्लां दे उत्ते मैनू किसे दी गल दे उत्ते निश्चय नहीं होया भरोसा नहीं होया दिन तरकश के सर पिख सोई मैं उना दे पत्थे दे तीर कढ़ा के वेखदा सी भी बखाओ केड़े तीर ने तुहाडे पत्थे ते जेड़े तीर तारा आजम दे मत्थे चो कड़े सी फिर उना नल मिलाउंदा सी मैं महाराज उना दे जेड़े तीर सन उना तीरां नल नहीं सन मिलदे जेड़े तारा आजम दे मत्थे चो बजे सन नह समता तीरन की पाई उना तीरां दे वर्गा किसे कोल भी तीर नहीं सी उना तीरां दे समान किसे दा तीर नहीं सी महाराज उना दे तीर निकियां निकियां बुखियां वाले जेड़े तीर तारा आजम दे मत्थे च बजे सी खपरे तीर ने इना नू सोना मड़िया होया उना विच्चों किसे दा तीर भी ना तीरां दे नाल नहीं मेल खादा होए होए कूर हटे पछुताई ओ सारे झूठे साबत हो के पछतावा करके चले गए जेड़े आके टारा मार दे सी महाराज ओ सारे झूठे होए मेरी सभा च मुड़ के पछतावा करके अखां नीवियां जियां करके मुड़ गए सो मैं अब लौ रखे संभाल ओ तीर महाराज जेड़े तारा आजम दे मत्थे च वजे सी मैं हाले भी सांभ के रखे हुए ने परखण वास्ते ओ तीर मैं हाले भी अपने कोल रखे ने अब मेलौ रावर सर नाल महाराज हुण तुसी आ गए ओ तुहाडी उड़ीक सी ओ तीर हुण मैं तुहाडे तीरां नाल मिला के वेखांगा ओ तीर तुहाडे पत्थे विच पए होए तीरां नाल मैं मिला के वेखांगा इम कह दोनों सर अनवाए एदा कह के बहादुर शाह ने उसे वेले अपने ओ दो तीर जेड़े तारा आजम दे मत्थे चो इन्ने कढ़े सन ओ मंगा ले कह गुर तरकश ते निकसाए सतगुरु जी ने मुठी भर के अपने पत्थे दे विच्चों तीर कढ़े कंचन लिपत मिले समझवे उना दोहां तीरां दे विच महाराज जी ने अपने तीर मिला दिते ते कहंदे लै तारा आजम दे मत्थे विच बजे तीर पछाण के कढ़ केड़े ने ओ सारे इको जी तीर जेड़े महाराज जी दे पत्थे चो निकले उना नू भी सोना मड़िया होया ऐन इन बिन इको संचे च बने हुए इको घाट दे बने हुए इको जी कानी ते ओ तीर जेड़े तारा आजम दे मत्थे चो बहादुर शाह ने कढ़े सन ओ सतगुरां दे तीरां नाल इन बिन पूरे मिलदे ने हृदय आनंदत बंदत तवै उसे वक्त बहादुर शाह खेड़े नाल भर गया आनंद नाल भर के महाराज जी दे चरणा ते बार बार वंदना करदा हे मैनू पातशाहियां देण वाले पातशाह दे पातशाह गुरु कलगी धर जी आप जी दे चरणा च मेरी नमाम है नमाम है नमाम है बारंबार वंदना है सजदा है महाराज आप जी दे चरणा च तुसी तरस करके मैनू बादशाही बख्शी है सर्व कला समरथ गुण खानी महाराज तुसी सर्व कला समरथ हो गुणा दी खान हो ऐसी केड़ी कला जड़ी आप जी विच ना होवे जग मैं जग मैं कोई ना आप समानी पूरे जगत विच तुहाडे समान कोई नहीं है तुहाडे वर्गा तुहाडे सदृश
महाराज कोई नहीं, यह महिमा जाने मन मेरा, मेरा मन तुहाडी महिमा जानदा है कि तुहाडे वर्गा कोई नहीं, तुम सारे अवर ना कोई। महाराज तुहाडे जैसा कोई नहीं, मेरा मन तुहाडी इस महिमा नू जानदा है। बख्शियो राज समाज बडेरा, ए जिन्ना राज ए जिन्ना समाज आप जी मेरे कोल वेख रहे हो, महाराज सब कुछ तुहाडा बख्शिया होया। हे कलगीधर स्वामी ए तुसा ने बख्शिया होया। श्री प्रभ कहियो पूरी अब बाछे, महाराज जी कहंदे बहादुर शाह तेरी बांछा पूर्ण कर दिती है सी। गुरु घर सो साबत रहो आछे, हुण गुरु घर नाल साबत रही, गुरु घर दे नाल साबत रही, किते गुरु घर कोलों ही बख्शिशा लैके गुरु घर नाल ना मथा लाई, हुण जिवें तेरे प्यो ने लाई रखिया। महाराज जी कहंदे गुरु घर दे नाल साबत रही। अब चल बह लग भोग हो राजू, जदों तक तेरी उम्र है उदों तक राज भोगेगा जे गुरु घर नाल साबत सिद्क रखेगा। हां जी, सामने जग मैं तोहे समाजू, ते जे गुरु घर दे उत्ते सिद्क रखेगा, भरोसा रखेगा, तेरे समान तेरे हुंदिआं कोई दूजा राजा नहीं होवेगा। जदों तक तू है तेरे समान कोई दूजा बादशाह नहीं होवेगा। कलगी श्री गुर के सिर हेर, बहादुर शाह ने महाराज जी दे सीस ते कलगी वेखी। पहली बार दर्शन कर रहा सी बहादुर शाह, पहला जंग दे मैदान च झलक वेखी सी पर दर्शन खुले नहीं सन होए। अज दर्शन कीते ने सीस ते सोहनी कलगी महाराज जी दे झुलदी हुई वेखी। बोलियो शाह बहादुर फेर, बहादुर शाह बोलिया उस वेले उच्ची आवाज विच अपने हलकारे नू सद्या। लाखों कीमत जरे जवाहर, हुक्म कीता तोशे खाने च जाओ, जो सब तो कीमती कलगी जिस दे समान कोई कलगी बादशाही खजाने च ना होवे, एहो जी कलगी जेदी लखां रुपए दी लागत होवे, लखां रुपए दे जेदे च हीरे मोती जवाहरात जड़े होण, जगमग जेब जिसू की जाहर, और जिस दे नाल जगा जगमग जगमग करदी होवे, ओदे च कीमती हीरे कूड़ा कड़ कड़ के जड़े होण। अस कलगी लै आव खजाने, जाओ मेरे खजाने चो एहो जी कलगी लियाओ कड़ के, मैं कलगी धर दे चरणा विचो कलगी भेट करनी है। वेख्या भी साहब कलगी सजाउंदे आ ते मन च रीझ आई भी मैं सतगुरां नूं कलगी भेट करां। आख्या जो सब तो कीमती कलगी होवे मेरे खजाने च, लखां रुपए दी लागत दी, जेदे च कीमती हीरे जड़े होण, कीमती जवाहरात जड़े होण, कीमती शब्द पन्ने जड़े होण, ते जगमग जगमग करदी होवे अंधेरे विच भी, ओ कलगी लैके आओ जगा दे समेत। संग दुशाले बस्त्र महाने, और नाल कीमती दुशाले लैके आओ, सोहनी खिलत लैके आओ, महाराज जी दा शुकराना करना है। एक तुक तुकी मोल बहु केरी, एक बहु मुल्ली तुक तुकी लियाओ, जेड़ी गल च पाण वाला एक गहना हुंदा नू तुक तुकी कहिंदे हन। मोतियां दी भी बनी हुंदी है, सोने आदक धातां दे नाल रतना दे नाल जड़ी हुई। महाराज जी नूं बहादुर शाह कहिंदा एक तुक तुकी लियाओ सुंदर, जेड़ी सतगुरु कलगी धर जी अपने कंठ विच पावण। आनो अब है न की जह देरी, बिना देरी तो लैके आओ, सुन खजानची तत छिन आनी। बहादुर शाह दा हुक्म सुनदे आ इहदा खजानची गया खजाने च, जाके कीमती तुक तुकी सुंदर कलगी जगा सोने दुशाले सोनी खिलत बस्तर लेके आया। गुरे आगे तार बहर बखानी, और वड्डे थाल च रख के बड़े अदब नाल बहादुर शाह दे कोल ले आया, ते बहादुर शाह ने ओ थाल दे विच सारियां वस्तुआं रख के कलगी धर जी दे चरणा विच रखिया। अब आखाड़ तपत है पारी, ते भेटा कीती खिलत, और फिर बेनती कीती महाराज मेरे वल्लों ए भेटा प्रवान करो, ए सब कुछ तुहाडा दिता होया। फिर इन्हें बेनती कीती महाराज हुण असाड़ दा महीना तपश वाला है,
गर्मी पैंदी है, लू चलदी है, बरखा रुत बो निकट निहारी। अगे सावन दा महीना आ जाना, मीह दी रुत शुरू हो जानी है, ते मीह पैंदे दे विच पंथ चलन को बरजन होए, ते सफर ते चलिया नहीं जाना, क्योंकि अषाढ़ दा महीना अगे सावन भादरों बरसात दे महीने शुरू हो जाने ने, ते मीह पैंदे नाल कच्चे राह हुंदे महाराज, रस्तियां च चलिया नहीं जाना, अगे सफर तां होना नहीं, ना मैं किते जा सकना, ते तुहानू भी नहीं जाना चाहीदा मीह कणी दे विच, तां कच्चे राहां दे विच जाना महाराज जी औखा है। निज निज थान थिर है सब कोए, तकरीबन सारे लोग इन्हां दो तीन महीनियां विच सफर नहीं करदे मीह दे मौसम च, पुराने वेलियां च इदां ही हुंदा सी, ते सावण भादरों तकरीबन अस्तू दे अध तक लोग सफर नहीं सन करदे, कच्चे राह अज वांगू पक्कियां सड़कां तां नहीं सन हुंदियां, तो कच्चे राह बदल नाल मीह नाल भर जांदे सन, गड्डियां ते पैदल लंघना जां घोड़ियां ते जाना औखा हुंदा सी। तो उन्हां दो तीन महीनियां विच चौमासे दे महीने लोग अक्सर अपने घरां च टिकदे सन, इसे करके जदों नौवें पातशाह गए ने ते बहादुरगढ़ साहब विखे चौमासा कटिया सतगुरां ने मीह दा मौसम, तो बहादुर शाह ने आख्या महाराज इन्हां महीनियां च सारे लोग आपो अपने टिकाणियां ते टिक जांदे हन। या ते मान ले हो मम अर्जी, मेरी ये अर्ज है कि आप जी कृपा करके ये जेड़े डेढ़ दो महीने जां ढाई महीने दा समय बरसातां दे दिन आप जी इत्थे आगरे विच रह के बतीत करो, इथे रह के आप जी निवास करो, रावर के दर्शन को गरजी। महाराज नाले मेरनू भी गरज है, मैं लोड़ बांदा तुहाडे दर्शना दा, मैं गरज मानदा, गरज कहदी है तुहाडे दर्शना दी, महाराज इथे रहोगे बहाने नाल मैं तुहाडे दर्शन करदा रहांगा। बस हो चौमासा करुणा धरी है, महाराज मेरे ते कृपा करके आप जी इथे चौमासा बतीत करो, चौमासा इथे ही कटो, पुन मिल गमन अपर थल करी है। फिर महाराज जदों चौमासा लंघ जाए ते जिथे तुहाडी इच्छा होवे मिल के जिधर आप जी ने जाना है, ये सारी धरती महाराज तुहाडी है, जिथे तुसी जाना चाहो चले जाना, पर चौमासे दे दिन आप जी इथे बतीत कर लो, ये मेरी बेनती है। दई उपायन अंगीकार हो, ओरा जेड़ी भेटा मैं आप जी दे चरना च भेट कीती, मेरी इच्छा नु आप जी शरीर ते अंगीकार करो, ये कलगी ये जगह आप जी जरूर सजायो शीश ते महाराज, ये तुक तुकी जरूर कंठ च पायो, आ दुशाले जरूर शरीर ते अंगीकार करो महाराज, मेरे वल्लों एक कीती भेटा आप जी ने जरूर प्रवान करनी। मुझको अपना जान संभाल हो, महाराज मैनू अपना जान के संभालियो, मैं तुहाडा हां महाराज, मैं तुहाडा हां और मैनू अपना जान के संभाल करियो। निकट पौर साहिब सिंह खरियो, महाराज जी ने बहादुर शाह दे बचन सुने, कोई बोले नहीं, गुरुदेव ने हाले कोई बचन नहीं कीता, लागे ही दरवाजे दे पास भाई साहब सिंह जी खड़े सन, श्री सतगुर आवाहन करियो, भाई साहब सिंह जी नु महाराज जी ने बुलाया, चश्म इशारत दे समझायो, अख दे नाल इशारा ही कीता भी ये जेड़ी खिलत दित्ती है बादशाह ने, आ जेड़ी भेटा कीती है चुक लो, अख दे नाल इशारे दे नाल ही ओ सारी भेटा चुकण नु इशारा कीता, खिलत शाह सो दिए उचवायो, बादशाह ने जेड़ी खिलत महाराज जी दे आदर सत्कार वजों भेट कीती है ओ महाराज जी ने चुकवा ली, पेटी चिलकत कलगी जोए, और कहंदे बड़ी सुंदर पेटी है चिलकनी, लई उठाए तुक तुकी सोए, नाल सुंदर कलगी है तुक तुकी है बड़ी सुंदर चमकदार, खुशी करी गुर बाहर आए, एदा बहादुर शाह ते खुशी करके महाराज एदी सभा चो बाहर आए, साहिब सिंह चलत पिछवाए, सतगुरु जी अगे अगे जा रहे ने,
भाई साहब सिंह जी सतगुरां दे पिछे पिछे जा रहे ने। घोरन पर तब चढ़ चाले बार घोड़े सन घोड़िया दे उते सवार होके साहब सिंह जी कलगी धर जी चल पे। मिले सिंह है चढ़े संभाले और जेडे बारले पासे किले दे सिंह खड़े सन घोड़िया ते सवार उन्हां नूं भी सतगुरां ने नाल लिया ते चल पे। सने सने चल के प्रभ आए सहजे सहजे चल के सतगुरु जी ने जिथे बाग च डेरा कीता सी उथे आ गए। जहे उपबन तरवर समुदाए जेड़ा बाग जिथे महाराज जी ने उतारा कीता बड़े सोहने बाग ने सोहने बूटे ने उना बूटियां विच बागां विच सतगुरु जी पहुंचे। उतर परे प्रब बाग निहारस महाराज जी उतरे ते हुण बाग दी सैर करन लगे। घोड़े तो लथ के ते बाग च ना टहलन लग पे सतगुरु। हुण बाग किहो जिहा जिहदे च कलगी धर जी टहल रहे ने। भाई साहब भाई संतोख सिंह हुण उस बाग दा नक्शा बनदे ऐन साडी सुरत उस बाग च लै जाणी है जिथे कलगीधर पातशाह जी महाराज अपनी टहल कदमी कर रहे ने चरना नाल सहजे सहजे चल रहे ने। जो माली बहुरीत सुधारस और वो बाग भी कादा कहंदे इन्ना सुंदर जिवें बादशाही बाग सी ना वो बादशाहां दे बाग सन। माली ने उस बाग नू बड़ा सोहना शिंगारिया होया सोना उस बाग नू बनाया हुआ। आरू अंब अनार अजायब फलदार दरख्त लगे ने आड़ूआं दे अंबां दे अनारां दे फल लगे हुए ने दरख्त लगे हुए ने। कदली कटहल बिलोकत साहिब केलियां दे बूटे लगे ने कटहल दे बूटे लगे हुए महाराज जी वेखदे ने। तूत बेदाना तर अंजीर जेड़े तूत दा बदाना छोटे तूत सहतूत हुंदे है कहंदे उन्हां दे बूटे लगे हुए अंजीर दे दरख्त लगे हुए ने। चंपक नाल केल की पीर ते चंपा दे फुल चंपक ओ बड़े सुंदर नाल केल नारियल दे फलां दे दरख्त भी लगे हुए उन्हां दी भी भीड़ है। राय बेल चंबेली खिली एक पासे राय बेल दे फुल खिड़े हुए एक पासे चंबेली खिड़ी हुई है। गन पंकत नित जल सो मिली और कहंदे जिन्ने दरख्त ने जिन्ने पौधे ने फलां दे फुलां दे सारियां दियां जड़ा पानी नल भिजियां होईयां जल नल सिंचियां होईयां ने सुगंधियां आउंदियां ने किते गुलदाउदियां खिड़ियां होईयां ने किते गुलाब खिड़िया होया किते गेंदा खिड़िया होया। सूरज सुता तीर पर सो है और एन जमुना दे किनारे दे उत्ते बाग है बड़ा सुंदर शोभदा है ये बाग। नाना बेद फल फूलन सो है नाना प्रकार दे फलां ते फुलां दे नाल ए दरख्त शोभ रहे हन। सुखद सघन छाया रमनीका बड़े सुख दिंदे है दरख्त संघनी छाया वाले क्योंकि हाड़ दा महीना ते बाग सोहनी संघनी छां वाले ठंडी ठंडी छां इन्हां दरख्तां दी उत्तों सुगंधी आउंदी है बड़ा आनंद बनदा बड़ा रस बनदा है। करहे भले हुल सावन जी का हिरदयां नूं खेड़े दिंदे ने बाग खिड़े हुए फुल। जदों कोई साधक खिड़े हुए फुलां नूं भी वेखदा ना ते वेख के उहदी कविता खिड़दी है। भाई वीर सिंह ने वेख्या गुलाब दा फुल खिड़िया होया ते वेख के उना नू भी खेड़ा खिड़िया ते उना दी कलम चली ते वेख के कहंदे आ गुलाब दा फुल कहंदा है गुलाब दा फुल बोल रहा क्योंकि कवि तो गल्लां कराउंदे आ ना कवि तो जड़ चीजा चो भी गल्लां कराउंदे आ कहंदे गुलाब दा फुल बोल के कहंदा डाली नालों तोड़ ना सानू असा हट महक दी लाई सो गाहक जे आके सुंगे खाली कोई न जाई जे तू एक तोड़ के ला गयो एक तेरे जोगा रह जासा ओ भी पलक झलकदा मेला रूप महक नस जाई डाली नालो तोड़ न सानू। गुलाब दा फुल कहदा वो ना तोड़ी मैनू डाली नालो मैं दुकान लाई हुई है महक दी सुगंधी दी सो गाहक भी कोल आ जाए कोई खाली नहीं जांदा मैं सब नू सुगंधी देना जे तू कल्ला तोड़ के जेब च पा के लै गयो
तेरे जोगा ही रह जाऊंगा ते वो भी बहुता समा नहीं पलक झलकदा ही मेला ना रूप रहना ते ना महक रहनी। सोहणिया बगीचिया विच बागां विच जदों कवि फिरदे कलगीधर आप बड़े महान कवि ने जदों बागां दा वर्णन करदे आ दसम बाणी विच ते महाराज सच्चे पातशाह जी कृष्ण अवतार विच जदों भगवान कृष्ण दी बांसुरी वजदी है ते उन्हां बागां दा जंगलां दा वर्णन हुंदा महाराज जी दी कलम भी उत्थे खिड़दी है। तो कवियां नूं हुलास दिंदा इहो जिहा माहौल चलदियां नदियां चलदे दरियावां दे किनारे सोहणे बाग ते बगीचे साधकां नूं भी सुख दिंदे आ। उत्थे साधक भी जदों बैठण चलदी नदी दे किनारे बह के कोई भजन करे तां उह साधक नूं भी रस आउंदा सोहणिया बागां बगीचियां विच टहलण नाल साधकां नूं भी रस बणदा ते विकारियां नूं भी इह सोख चंगे लगदे जिहड़े विकारी हुंदे दोवें प्रकार किसे ने आत्म रस लैना हुंदा है किसे ने संसारी रस लैने हुंदे ने। इह तां हुण रस लैण वाले दे निर्भर है भी उहने की लैणा चोण इहने करदी। तो कहिंदे बड़ा सोहणा बाग सूरज सुता सूरज दी लड़की सूरज दी लड़की कहड़ी है जमुना जमुना वगदी है नाल नाल आगरे दे जिथे इस बाग विच सतगुरु जी टहल रहे ने। श्री प्रभ मंदिर मैं कह छाया सतगुरु सच्चे पातशाह जी इस बाग विच ही ना एक सोहना जिहा मंदिर बनिया होया छां वाला जिवें एक छोटा जिहा मकान जिहा बनिया हुंदा आले दुआले सोहने दरख्त लगे हुए छांदार उहदे विच सतगुरु जी ठहरे ने। बैठ बिराजै समो बिताया उत्थे बैठदे ने बिराजदे ने और समा बतीत करदे ने। नगर आगरे संगत भारी आगरे शहर विच गुरु की बहुत संगत है गुरु के सिख हन दरसै धरहै अकोर अगारी आउंदे ने आके दर्शन करदे ने गुरु चरणा विच अनेक प्रकार दियां पिटावां अर्पण करदे हन। एक सिख जड़िया सुनियारा एक गुरु का सिख है सुनियारा जड़िया चतर काज मैं धनी उदारा सुनियारा जड़त जड़दा बड़ी सोहनी सोने दे गहने बना के ना उन्हां विच जड़ाऊ जड़दा सोहने हीरियां दी विच मीनाकारी करनी बड़ा वधिया कारीगर सी है गुरु का सिख ते अपने काम दे विच बड़ा निपुण सी। जुत परिवार दरस को आयो अपने परिवार समेत जदों पता लगा कलगीधर आए ने तो अपने परिवार समेत सतगुरु जी दे दर्शना नु आया चरण कमल पर शीस निवायो साहबां दे सोहणिया चरणा कमलां उत्ते बड़े अदब नाल सत्कार नाले ने शीश झुका के मत्था टेकिया। लगे उपायन के अंबार सतगुरां दे सानमुख अनक प्रकार दियां पिटावां दे अंबार लगे हुए हन अरपत गुर को दर्शन हार तेने भी आके अपने वल्लों जथा शक्त भेटा अर्पण कीती महाराज जी दे दर्शन कीते कृपा दृष्टि ते खुशी करी जब सतगुरां ने अपनी कृपा भरी दृष्टि नाल इहदे ते खुशी कीती संगत गवनी निज निज घर तब और जिन्नी संगत सी महाराज जी दे कोलों दर्शन करके दीदार करके सारी संगत आपो अपने घरां नूं विदा होई दोहरा सिख संगत गन संग लै नौ निद खत्री एक कहंदे आगरे शहर दा ही रहण वाला एक खत्री सिख सी खत्री बरादरी नाल संबंधित इहदा नाम सी भाई नौ निद। तो नौ निद अपने नाल कुछ संगत लै के भाई नौ निद जी गुरुदेव दे दर्शना नु आए भंडारी संगया कहें के तिक सहत विवेक एदा जेड़ा गोतर सी ओ भंडारी सी खत्री वरण सी और भंडारी गोत सी ना एदा भाई नौ निद है और बड़ा कई शास्त्रां नु विचारन वाला विद्वान सी पढ़िया लिखिया सी कई ग्रंथ इहने पढ़े हुए सन शास्त्र पढ़े हुए सन वेद पढ़े हुए सी चंगा विद्वान पुरुष सी नौ निद। ए संगत दे नाल सतगुरु जी दे दर्शना नु आया है सी हिंदू धर्म नाल सनातन धर्म दे नाल संबंधित सी गुरु की सिक्खी आले ने धारण नहीं सी कीती पर पता लगा भी संगत जा रही है गुरसिख जा रहे ने त
ਰਸਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਜਾਓ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਨੌ ਨਿਧ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਆਏ। ਘਰ ਅਕੋਰ ਪਗ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਲਿਆਏ ਸਨ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਪੂਜੇ ਗੁਰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌ ਨਿਧ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੁਮ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਪੰਥ, ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਬਾਣਾ ਰਚਿਓ ਕੇਸ ਰਖਵਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰਖਵਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰਖਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਤਾਵੋ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰ ਇਨਹੋ ਰਖਵਾਵੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰਖਾਏ ਨੇ? ਇਹ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰਖਾਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਪੁਰ ਮਾਮਨ ਕਰਿਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਨੌ ਨਿਧ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਹੋ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਤੁਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਤੁਸਾਂ ਘੋਖੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਤੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰਿਓ। ਨੌ ਨਿਧ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੇਦ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨ ਸ਼ਰਵਣ ਮੈਂ ਬੈਸ ਬਿਤਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਤ ਲਖੀ ਕੇ ਨਹਿ ਤੁਮ ਪਾਈ। ਇਹ ਗੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰਖਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਲੰਘੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਧਰਮ ਰੱਖਣ ਕੇ ਸਾਧਿਕ ਭਲੇ। ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਹਤ ਨੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਹਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਤਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਪਸਵੀ ਸਭ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹਨ, ਸਭ ਕੇਸਾ ਵਾਲੇ। ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਕੇਸ਼ਵ। ਕੇਸ਼ਵ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਨ, ਤਦੇ ਅਰਜਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕੇਸ਼ਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿਚ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਨ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਲਕਸ਼ਮਣ ਕੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਕਹਿੰਦੇ ਬੋੜ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਐਸਾ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਸਨ। ਤੋ ਜਿਤਨੇ ਦੇਵਤੇ, ਜਿਤਨੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਮੁਨੀ, ਤਪਸਵੀ ਸਭ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਕਾਇਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਨਕ ਆਦਿਕ ਤੇ ਆਵਤ ਚਲੇ, ਸਨਕ ਸਨਾਤਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਨੇ, ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਬਿਖੈ ਸ਼ੁਭ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਕੇਸ਼ ਰੱਖਣੋ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ, ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ। ਉਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਲੇਖ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਨਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬਨ ਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਮਾ ਵਿਸਰਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓਏ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਗਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬਮੈ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਕੇ ਸਦਾ ਬਿਬੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ, ਹੇ
संत है कह सदा संग धाराया धार ठाकुर हो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दीज नाम दान रखौ हिय परोए आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार जो शरदा कर से बंदे पार उतारन हार वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार जो शरदा कर से बंदे पार उतारन हार वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सात संगत जी बेनती है कि नानक सर कुटिया त्रिपड़ी विखे जो पिछले कई दिनों तो समागम चल रहे ने अज ते कल दो दिनों दे समागम ने कल नू समाप्ति होनी है इन्हां समागमां दी। अज रात दे समागमां विच 7:30 to 9 तक दे समागमां विच ज्ञानी हरपाल सिंह जी हाजरियां भरनगे। कल नू संत सुखदेव सिंह जी पुछों साहब वाले और भाई दविंदर सिंह जी सोढ़ी लुधियाने वाले कीर्तन की हाजरी भरनगे। अज ते कल दे ना समागमां विच हाजरियां भर के गुरु जस सरवण करके गुरु कीआं खुशियां प्राप्त करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुण भाई साहब भाई लाल सिंह जी महाराज जी की पावन हजूरी च आए ने सतगुरां की पावन अमृतमई गुरबाणी का कीर्तन आप जी नूं सरवण करोणगे। सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की